इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एजे फैशन एंड टेक्निकल को, और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले पाएं। सबसे पहले हम इसकी नीचे की सिलाई लगाएंगे। ये हमारी एक पैर की सिलाई लग चुकी है। सिलाई लगाने के बाद हम जो है अपनी साइड की सिलाई लगाएंगे। ये ऊपर से मिला के नीचे देख लेंगे, हमारा ये थोड़ा सा आगे को निकलेगा, इधर ये हमारी सिलाई लग चुकी है। देखिए इसके बाद हम इस सेट की जो है ये नाप लेंगे ऊपर से नाप के, और नीचे जैसे हमारा वो वाला पार्ट निकला था ऐसे ये पार्ट निकल जाएगा, तो निकल जाएगा। इसके बाद हम नाप लेंगे अपना, हमें चौक कितना खोलना है, इतना हमें चौक खोलना है, उतने पर हम निशान लगा देंगे। ये हमारा 5 इंच खुलना है, तो हम 5 इंच पे फुट का या चौक से निशान लगा देंगे। 5 इंच पे निशान लगा देंगे। हमारी सिलाई हो गई है, इधर से हम इसको काट लेंगे, बिल्कुल किनारे तक निशान लगा लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा वाला पार्ट भी फ्रंट का जोड़ लेंगे। ये देखिए हमारा फ्रंट के दोनों पार्ट हमने इसी तरीके से जोड़ लिए, इस तरीके से। इसमें भी 5 इंच का हमने खोल दिया ये कट। इसके बाद जो है हम अपनी बैक उठाएंगे, अपने पल्लों को इस तरीके से रख के, ये हमारी बैक है, बैक में हम कंधी जोड़ेंगे। कंधी किस तरीके से जोड़ेंगे ये देखिए, एक पार्ट इस तरीके से हम रख लेंगे, ये हटा के हम ये कंधी जोड़ देंगे, ये हटा के इसकी ये जोड़ देंगे। देखिए हमने कपड़े की कंधी जोड़ ली है दोनों तरफ की। इसी तरीके से हम अस्तर की भी जोड़ेंगे। हमारा ये अस्तर है, इसकी कंधी हम बैक के अस्तर में जोड़ेंगे। इस तरीके से हमने बैक का अस्तर रखा। ये पहली कंधी, ये दूसरी कंधी हम जोड़ देंगे। ध्यान रहे जब हम बैक में अस्तर में जोड़ेंगे तो ये कंधी हमारी इस तरफ को रहेगी, ऐसे खुलूगी, और ये ऐसे इसकी दोनों सेंटर मिल जाएंगी। अगर इस तरीके से आपने धूप में जोड़ दी तो गलत हो जाएगी, इसलिए ध्यान रहे इधर से जोड़ेंगे।
देखिए हमारी तीन जुड़ चुकी हैं कंधी दोनों की। इसे इस तरीके से करेंगे तो हमारा यह गला पूरा बिल्कुल फिट आ गया है। देखिए यह आ गया है। इसके बाद जो है जो हमारी अस्थिने हैं मुठ्ठा आ गए वो सिलाई लगा लेंगे। ये वाली सिलाई हम लगा, ये ध्यान दीजिए किस तरीके से हम लगाएंगे। सिलाई हमने एक लगा ली, इसी तरीके से इसके ऊपर फिर से एक सिलाई और लगा लेंगे ताकि हमारी मजबूती अच्छी आए। ये लग गया है हमारा। इसी तरीके से हम दूसरे स्तन की भी लगा लेंगे। इसके बाद हमारी दोनों अस्थियाँ ऐसे जुड़ चुकी हैं। इसके बाद हम इस पर कट लगा देंगे। इसी तरीके से इस वाली का भी कट लगाएंगे। ये कट लग चुके हैं हमारे। इसके बाद हम अपनी जो है देखिए हमने सीधा कर लिया है दोनों पार्ट अपने। यहाँ से ये ऐसा है, ये खुल हुआ है, इधर से हमारे चौक बंद हो गए, ये बंद हो गए, पीछे हमारे इस तरीके से आया। ये देखिए ये हमारी जो सिलाई लगाई थी हमने बैक पैक हो गई है अंदर को। ये हमारी बैक है, ये गला है हमारा, ये हमारा दूसरा मुड्ढा है। अब क्या करेंगे ये देखिए, ये हमने दोनों पार्ट आगे को है, ये बैग हमारी पीछे को है। इसके बाद जो हम बैग उठाएंगे इस तरीके से, और ये हमारे बैग का ये वाला हिस्सा है मुड्ढे का निचला हिस्सा, इसको इस वाले मुड्ढे से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मिला देना है। ये मिला देंगे पॉइंट टू पॉइंट और इस तरीके से ये इधर आया, इसके ऊपर हमारा ये वाला पल्ला आया, ये वाला इधर आया। इधर से हम इधर तक सिलाई लगाना है बिल्कुल सही हिसाब से। ये देखिए
इस तरीके से बिल्कुल पॉइंट पे मिला लें ताकि हमारा बिल्कुल कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ से हम सिर्फ जब सिलाई उतारेंगे तो हम इस पॉइंट को उतारेंगे, ये हमारा कट है, बिल्कुल इसी कट से हमारी सिलाई उतरना चाहिए। ये कट है इस पर हम पूरा हम पक्का करके निकाल देंगे सिलाई। बिल्कुल इसी तरीके से हम अपना दूसरा हिस्सा भी जोड़ेंगे। देखिए दूसरा हिस्सा जो है हमारा ये है। ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और ये पकड़ के अपना बैग हम ले आएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये दो पार्ट हमारे आपस में मिल जाएंगे, ये दो पार्ट हमारे आपस में मिल जाएंगे। बैग हमारी बाहर को आ जाएगी, फ्रंट हमारा अंदर को ये लग जाएगा। उतारने के बाद ये अंदर करके अपनी बैग के नीचे की सिलाई लगाएंगे। पहले बैक के नीचे की सिलाई लगाने के बाद ये हम देखेंगे कि हमारी ये चीज और हमारा फ्रंट का एक बराबर बैठ जाए या नहीं। ये इस तरीके से नाप लेते हैं। ये सिलाई लगाने के बाद हम इसे कौन कौन आया है देखिए, हमने दोनों ये कोने निकाल लिए बिल्कुल से। ये देखिए हमारी ये बिल्कुल बराबर बैठी हैं। इसे नापना बहुत ज़रूरी होता है, ये छोटी बड़ी हो जाती हैं। इसके बाद ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ इसका कॉलर रह गया है चढ़ाने को। अब हम कॉलर चढ़ाएंगे। कॉलर किस प्रकार चढ़ाते हैं इसका ये बताएंगे आपको।
इसकी फिनिशिंग कर लेंगे, इसे प्रेस लगा के पहले सही कर लेंगे, उसके बाद हम इसका कॉलर चढ़ाएंगे। देखिए कॉलर हम किस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले हम अपने कॉलर के लिए बकरा अपनी काट लेंगे चिपकन वाली, इसे इस तरीके से फोल्ड करके पिन लगा देंगे ताकि इधर उधर ना हो। अब हमें कॉलर रखना है 15.5 इंच, ये जितना भी आपको रखना हो। इधर मैं अपना कॉलर रखूँगा 15 इंच, 7.5 हो गया आधा इसका, 15 का आधा 7.5, 7.5 पे निशान लगा देंगे एक, इस निशान को सीधा कर देंगे हम, इस निशान को सीधा करने के बाद हाँ अपने कॉलर के जितना चौड़ाई रखना है वो रखेंगे। ये हमारा कॉलर आएगा 1 इंच 4 सूत चौड़ा, 1 इंच 4 सूत पर निशान लगाएंगे ऐसे, इधर एक सुई 1 इंच 4 सूत पर निशान इधर लगा देंगे, इस निशान को भी सीधा कर देंगे। ये देखिए ये निशान हमारा सीधा हो गया। अब क्या करेंगे, ये हमारे ये हैं नोक, इधर से हम 1 इंच नीचे निशान लगाएंगे और 1 इंच नीचे इस वाले निशान से लगाएंगे निशान। ये निशान लगाने के बाद हमारे कॉलर की जो है लंबाई है 7.5 इंच, 7.5 में से हम 1, 2, 3 इंच 3.5 इंच पे निशान लगा देंगे। 3.5 इंच पे जो हमने निशान लगाया है, इधर से इस निशान को सीधा कर देंगे हम, इसी तरह इस दूसरे वाले को भी ये दोनों निशान मिला के सीधा कर देंगे। ये देखिए हमारा इस तरीके से आ गया ही। अब क्या करेंगे, इस वाले निशान से ऊपर वाले से अगर गोलाई देना है हमें कॉलर में तो हम इसे गोलाई दे देंगे। इस तरीके से हमने गोलाई दे दी और इसी तरीके से हम ऊपर से गोलाई दे देंगे। इधर से भी गोलाई दे दी हमने, इसी तरीके से नीचे से भी हम थोड़ी सी उठा के गोलाई दे देंगे। ये हमारा कॉलर तैयार हो गया। देखिए अब इसको हमने जो बाद में गोलाई दी है उस वाले निशान से काट लेंगे। अब इसे हम खोल लेंगे, ये हमारा कॉलर तैयार हो गया है। इस कॉलर को हम जमाएंगे, अब इसको हम जमाएंगे, हमने अपने अस्तर के कपड़े पर हम जमाएंगे। बैग में हमारा अस्तर का कपड़ा है वो कॉलर के, आप की मर्जी है, ये चाहे तो यही कपड़ा लगा सकते हैं या अस्तर का भी लगा सकते हैं, मैं इसे अस्तर के पर लगाऊंगा। सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेंगे, ये देखिए हमने ये पलट के लगा ली सिलाई, ये ऊपर को पलट देते हैं इतना स्किन आपका। ऐसे पलट लेंगे,
पलटने के बाद इस पर एक प्रेस मार लेंगे। प्रेस कर लिए। इसके बाद हम अपनी बास्केट में, ये हमारा ये गला है, इसको इस तरीके से उल्टा करके और सिलाई लगाएंगे। इस कट पर हमें सिलाई उतार देना है। सिलाई हमने लगा ली, इसकी नुक हम बाहर निकाल देंगे। इसी तरीके से हम दूसरे हिस्से में जो हमारा कट है इस पर भी हम सिलाई लगा के खोल लेंगे। हम एक कट लगा लेंगे। ये देखिए कट लगा लिया हमने। कट लगाने के बाद इसे खोल देंगे। इससे ये हमारी बाहर को आ जाती है। नोक हमेशा कैंची से हम निकाल लेते हैं अपनी। ये देखिए ये इस तरफ से एक तरफ ऐसा आ गया और एक तरफ ऐसा है। इसके ऊपर हम कॉलर्स जमाएंगे। कॉलर किस तरीके से जमाएंगे ये देखिए, हम अपना कॉलर ये कपड़ा इस कपड़े से मिला के इस तरीके से रखेंगे। इधर से हम चालू करेंगे सिलाई, इस नोक से हम चालू करेंगे। हमारा बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया है कॉलर इस कुटके से इस कुटके तक। अब इसे इधर हम कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद एक बार खींच के इसे
इधर हम तुरपाई कर देंगे, इधर तुरपाई से ये हम जमा देंगे। चाहो तो सिलाई भी लगा सकते हैं, अगर आपको सिलाई नहीं लगानी है तो हम ये तुरपाई से जमा सकते हैं। अगर सिलाई लगाएंगे तो हमारी इधर सिलाई दिखेगी, इसलिए हम तुरपाई से इसे जमा देंगे। ये देखिए हमारे सामने से इस तरीके का हो गया है। देखिए हमारा बेस कोट तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।